नमस्कार, सुबह के 6 बज गए हैं। आप देख रहे हैं सरमस्तपुर वीडियो ट्यूटोरियल। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अगला सीरीज। सीरीज नंबर हमारा पार्ट नंबर है यहाँ पर 7। कल के क्विज में पूछा गया प्रश्न है, स्टोरी एक्सेट्रा कंटेनिंग ए हिडन मोरल लेसन, नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी, उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, जिसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर देना था। इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर है एलिगरी। एलिगरी जो है सही आंसर है। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। ए पर्सन हुज लिंब हैज बीन अम्प्यूटेड, जिस व्यक्ति का कोई अंग कटा हुआ हो उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे। यहाँ पर चार ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है एमिनेबल, ऑप्शन नंबर बी है अम्प्यूटी, ऑप्शन नंबर सी है अमोरल और ऑप्शन नंबर डी है अबोर। हमारा राइट आंसर क्या होगा इन चार ऑप्शन में से, आंसर दीजिए फटाफट। हमारा राइट आंसर है अम्प्यूटी। जिस व्यक्ति का कोई अंग कटा हुआ हो उसके लिए वन वर्ड में कहेंगे अम्प्यूटी। बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। 72 नंबर क्वेश्चन। समथिंग दैट इज नॉट सुइटेबल फॉर इट्स एज ऑफ एक्सिस्टेंस। इस क्वेश्चन के लिए फोर ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए एनाक्रोनिज्म, ऑप्शन नंबर बी एनाग्राम, ऑप्शन नंबर सी अनार्की और ऑप्शन नंबर डी अपलोड। विच इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 का सही उत्तर है एनाक्रोनिज्म। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। The inability to feel pain, जिसे दर्द महसूस नहीं होता हो उसके लिए वन वर्ड में क्या यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73। यहां पर चार ऑप्शंस है, अब्सकॉन्डर, अब्यूज, अनार्की और एनल्गेसिया। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एनल्गेसिया। जिसे दर्द महसूस नहीं होता है उसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे एनल्गेसिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। दैट विच इज आउट ऑफ प्लेस, परिस्थिति या स्थान के दृष्टिकोण से असंगत, उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे हम। हियर वी हैव फोर ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए एमनेस्टी, ऑप्शन नंबर बी अमोरल, ऑप्शन नंबर सी एनाक्रोनिस्टिक और ऑप्शन नंबर डी अफेबल। विच इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 74। हियर ऑप्शन नंबर सी एनाक्रोनिस्टिक इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, दैट विच इज आउट ऑफ प्लेस। देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर क्वेश्चन। ए वर्ड कंटेनिंग ऑल द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड, ऐसा वर्ड जिसमें दूसरे वर्ड के सभी लेटर मौजूद हों। जैसे यहां पर चेक कर लो, एन लिखा हुआ है और एन दूसरा वर्ड है बैंक, बी ए एन के। तो ए और एन, एन जो है बैंक में ऑलरेडी समाहित किया हुआ है, ए और एन, तो बैंक जो है ए एन एन का एनाग्राम होगा। मींस ए वर्ड कंटेनिंग ऑल द लेटर ऑफ अनदर वर्ड के लिए वन वर्ड हमारा क्या होगा यहां पर, एनाग्राम, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर यहां दो वर्ड है, एक है एन और दूसरा है बैंक, तो बैंक जो है ए एन एन का एनाग्राम होगा, क्योंकि बैंक में चार लेटर हैं और एन में दो लेटर है और एन का दोनों लेटर बैंक में ऑलरेडी क्या है, तो इसलिए यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए वर्ड कंटेनिंग ऑल द लेटर ऑफ अनदर वर्ड के लिए एनाग्राम, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76।
एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट, किसी भी शासन व्यवस्था का अभाव, या फिर ऐसे कहिए जहां अराजकता फैली हुई हो, कोई भी शासन प्रणाली नहीं हो, तो उसके लिए वन वर्ड में हम क्या कहेंगे? चार ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए है एग्नोस्टिक, ऑप्शन नंबर बी है एलिगरी, ऑप्शन नंबर सी है अजेंडा और ऑप्शन नंबर डी है अनार्की। मानव वैसा देश जहां कोई भी शासन व्यवस्था नहीं हो, या वैसा राज्य या वैसी जगह जहां पर कोई भी शासन काम नहीं कर रहा हो, किसी भी प्रकार का शासन व्यवस्था नहीं हो, माना लोगों में अराजकता फैली हुई हो, तो इसके लिए वन वर्ड यूज करते हैं हम लोग अनार्की, मीन्स अराजकता। और हमारे यहाँ पर अभी कौन सी शासन व्यवस्था है? डेमोक्रेसी का। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77। द साइंस ऑफ बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, तो इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? चार ऑप्शंस है इधर। ऑप्शन ए है अनार्की, ऑप्शन बी है अब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी है एनाटॉमी और ऑप्शन डी है एडवोकेसी। विच इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी एनाटॉमी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 77। वेल स्टूडेंट्स, पे अटेंशन ऑन द क्वेश्चन। अगर आप उत्तर मालूम है आपको तो फिर कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते चलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट समथिंग, माना छोटी कहानी, किसी भी चीज के बारे में छोटा मगर मनोरंजक कहानी, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ए नंबर में है एनेक्डोट, बी में है एनाग्राम, सी में है अम्प्यूटी और डी नंबर में है अमोरल। विच इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा सही उत्तर है एनेक्डोट, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। छोटी कहानी के लिए मगर मनोरंजक कहानी हो तो उसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे एनेक्डोट। चलो क्वेश्चन नंबर 79 चेक करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग विंड स्पीड और करंट ऑफ गैस, जिस यंत्र से वायु या फिर गैस को मापते हैं उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे और इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का नाम होगा? चार ऑप्शंस है एनुअल, एनल्स, एनीमोमीटर और अब्सर्ड। इसके लिए तो एक ही यंत्र का यूज करते हैं, वो है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का यूज करते हैं वायु नापने में और या फिर करंट ऑफ गैस, गैस का जो प्रवाह है, धारा है, उसको नापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? एनीमोमीटर। तो वन वर्ड भी हमारा क्या होगा? एनीमोमीटर ही हमारा वन वर्ड होगा इस क्वेश्चन के लिए, और सी नंबर ऑप्शन जो है सही है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। ए प्लांट्स विथ ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स, ऐसा पौधा जिसमें चमकीले कलर का जो फूल है वो लगे हैं, तो इसके लिए वन वर्ड क्या होगा यहां पर हमारा? ए नंबर ऑप्शन है एनीमोन, ऑप्शन नंबर बी है अब्स्ट्रूस, ऑप्शन सी है अब्डिकेट और ऑप्शन डी है अबोट। हमारा राइट आंसर होगा इसमें एनीमोन। क्वेश्चन नंबर 81। बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, ऐसी धारणा अगर लोगों में हो कि भगवान जो है सब जगह है, हाँ, और सब जो है भगवान ही है, ऐसा गलत धारणा अगर किसी लोग में है तो उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करते हैं हम? यहां पर चार ऑप्शंस दिया हुआ है, अबोर, एनिमिज्म, एम्बिवर्ट या अमेजन। हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए? हमारा सही उत्तर है ऐसी गलत धारणा के लिए एनिमिज्म। एनिमिज्म जो है हमारा राइट आंसर है, क्योंकि वास्तविकता ऐसा है नहीं कि भगवान सभी जगह है और सब भगवान है, ऐसा सही नहीं है। लेकिन यहां पर वन वर्ड हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके लिए वन वर्ड क्या होना चाहिए? एनिमिज्म। एनिमिज्म इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 81। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। हैविंग लाइफ, इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? ए नंबर एग्रेसर, बी नंबर एफिडेविट, सी नंबर एनिमेट और डी नंबर अरेवल।
विच इज द राइट आंसर? यहां पर ऑप्शन नंबर सी देख लो, ऑप्शन नंबर सी एनिमेट, ये हमारा सही उत्तर है। वेल स्टूडेंट्स, देखते हैं अगला प्रश्न 83। रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स ऑफ वन ईयर, एक साल की घटनाओं का विवरण जो है, रिकॉर्ड जो है, इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? ऑप्शन तो देख लो, एक में है एनल्स, बी है एनिमिज्म, सी है एनोनिमस और डी है एंटीडेट। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या है, सही उत्तर क्या है? रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स ऑफ वन ईयर के लिए हमारा सही आंसर है इसमें से क्वेश्चन नंबर 83 के लिए एनल्स, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह बर्बाद कर देना, कोई भी चीज जो है पूरी तरह जब बर्बाद कर दो तो उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? चार ऑप्शन यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑप्शन ए है एस्थेटिक्स, ऑप्शन बी है एनिहिलेट, ऑप्शन सी है एजिटेशन, ऑप्शन डी है एलिनेट। इसके लिए सही उत्तर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 84 के लिए? एनिहिलेट। एनिहिलेट जो है हमारा सही उत्तर है। इस एनिहिलेट का मतलब ही होता है पूरी तरह बर्बाद कर देना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। कमेंट एडेड टू अ टेक्स्ट और डायग्राम, किसी भी पुस्तक में जो कमेंट ऐड करते हैं उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? ए में एनोटेशन, बी अनार्की, सी एग्रावेट या डी एडोलसेंस। कौन सा उत्तर होगा इसमें से? राइट आंसर क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 85 के लिए? सही उत्तर है एनोटेशन। जब किसी पुस्तक या तस्वीर में कुछ टिप्पणियां जोड़ी जाती हैं तो उसके लिए हम एनोटेशन वर्ड यूज करते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 86। ए लेटर या पोयम एक्सेट्रा हुज ऑथर इज अनोन, कविता कहानी पत्र वगैरह जिसका लेखक जो है गुमनाम है, पता ही नहीं है कि किसने लिखा, तो इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करते हैं हम? ए में एंटीडेट, बी में एनोल, सी में एनल्स और डी नंबर एनोनिमस। विच इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 86? हियर द राइट आंसर इज एनोनिमस, गुमनाम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अगर किसी भी कविता कहानी लेटर इत्यादि के लेखक का नाम का पता नहीं हो कि किसने लिखा, तो उन कविताओं के लिए हम एनोनिमस का यूज करते हैं, माना गुमनाम, पता नहीं है मुझे। चलो प्रश्न संख्या देखते हैं 87। 87 नंबर क्वेश्चन। डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफिशियल एग्रीमेंट, डिसीजन और रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है अमान्य घोषित करना या निरस्त करना, ऐसे सेंटेंस के लिए वन वर्ड क्या यूज करते हैं हम? ऑप्शन एडिक्ट, एनुल, एक्विट या एक्चुअरी। हमारा सही उत्तर है एनुल, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है, माना डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफिशियल एग्रीमेंट, डिसीजन और रिजल्ट का सही आंसर है वन वर्ड एनुल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन लायबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर हिज एक्शन, इसका क्या आंसर होगा? सही उत्तर क्या होना चाहिए? माना किसी कार्य के लिए व्यक्ति को जवाब देने पड़ते हैं, तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा? एम्प्यूटी होगा या एंटीडेट होगा या एनोनिमस होगा या आंसरेबल होगा? विच इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 88? वेल स्टूडेंट्स, राइट द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स फटाफट, अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिखते चलिए। चलो इसका सही उत्तर देखते हैं, हमारा सही आंसर है आंसरेबल, ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई कार्य करता है तो उसे उसके बदले में क्या करना पड़ता है? जवाब देना होता है हर कार्य के लिए, तो हमारा सही उत्तर होगा आंसरेबल। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 89। टू बी ऑफ एन अर्लियर डेट देन, किसी भी तारीख के पहले का, तो इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करते हैं? एंटीडेट,
या एंटीडोट या एंटीजेन या एंटीक। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटीडेट। एंटीडेट हमारा सही आंसर है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। द टाइम बिटवीन मिड नाइट एंड नून, माने रात्रि के 12 बजे से लेकर के सुबह दिन के 12 बजे के बीच के समय को हम क्या कहेंगे? अबाटोर, अबोलिस, एंट मेरिडियम या एंटीडेट। हमारा राइट आंसर है एंट मेरिडियम। चलो ये तो हो गया कि रात्रि के 12 बजे से लेकर के सुबह दिन के 12 बजे के बीच की ड्यूरेशन को हम एंट मेरिडियम कहते हैं, हमारा सही उत्तर है। लेकिन अगर दिन के 12 बजे से लेकर के रात्रि के 12 बजे के बीच के समय को क्या कहेंगे? बस मेरिडियम के पहले क्या लगा देना है? प्राइम, प्राइम मेरिडियम, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उसके लिए। ओके, आज के क्विज का प्रश्न देखते हैं। आज के क्विज का प्रश्न क्या है? सो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग, किसी की प्रशंसा करना ताली बजा करके, ताली बजा करके किसी का प्रशंसा करना, तो इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। फिर अगले सीरीज में जो आएगा पार्ट नंबर 8, उसमें हम इसका उत्तर का डिस्कशन करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए सरमस्तपुर यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल और पढ़ाई करते रहिए मन से। तब तक के लिए बाय बाय।